परसों से अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं और घूम रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में फिशरी के सेक्टर में अपार संभावना है और पोटेंशियल भी। आवश्यकता है इस बात की कि उस पोटेंशियल का और रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतर्देशीय जो इनलैंड फिशिंग है उसका स्कोप है। आज हम लोग फिश प्रोडक्शन के मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हम 95 लाख, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में तो मात्र 96 लाख टन था फिश प्रोडक्शन। आज हम 176 लाख टन पर पहुंच गए और ये 10 साल की उपलब्धि है। और उसमें 176 लाख टन में 132 लाख टन जो अंतर्देशीय इनलैंड फिशिंग है उसका हिस्सेदारी है। तो इनलैंड फिशिंग के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। कई यहाँ हर गांव में, हर इलाके में तालाब है, वाटर बॉडीज हैं, उनको विकसित करके अगर काम किया जाए तो काफ़ी संभावनाएं हैं। और मत्स्य उत्पादन फिशरी के प्रोडक्शन के मामले में अरुणाचल प्रदेश सेल्फ सफिशियंट तो बन ही सकता है। दूसरे राज्यों में ये निर्यात भी कर सकता है फिश को। तो इसलिए अभी समीक्षा बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने कहा है, भारत सरकार का जहां तक सवाल है, भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है हम सभी विभागों के मंत्रियों को कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में विशेष ध्यान केंद्रित करके उसको विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पूर्ण सहयोग करें और बराबर वहां जाके वहां की समस्याओं को समझें। और उसी निर्देश के आलोक में हम यहाँ आए थे, 2 दिन यहाँ रहे, आज तीसरा दिन है और उसको हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग में भी किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा सह योजना क्या है वो, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर को फिशरी के सेक्टर में डेवलप करने के लिए किया जा सकता है, फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और बहुत कुछ करने का जरूरत अभी तत्काल नहीं है, अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी जो तकनीति है और उसका उपयोग करके और जो स्पेसीज का डाइवर्सिफिकेशन करके प्रोडक्शन को अभी 10,000 टन से 30,000 टन तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है। केंद्र की सरकार जो भी योजनाएं राज्य की तरफ से जाएंगी उन योजनाओं को त्वरित गति से उसको स्वीकृत करेगी और उसको यहां कार्यान्वित करना राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार के माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, राज्य सरकार के अधिकारियों से भी बात हुई है, ये सारे लोग उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए सर आप कोई पर्टिकुलर प्लेस को चुने अरुणाचल में जहाँ पर जो आप बात किया है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा फिशरी को लेकर उसका नहीं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR है, उसने कई फिशरी के सेक्टर में कई इनोवेशंस किए और उनके अनुसंधान का परिणाम है। अभी राज्य सरकार से हमारी बात हुई है, राज्य सरकार की तरफ से 4-5 लोगों को जो उनका सीफा संगठन है भुवनेश्वर में वहाँ भेजेंगे,
वहाँ से वो प्रशिक्षित होकर आएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी में एक पॉन्ड में मल्टी लेयर फिश फार्मिंग का भी रिसर्च है, अलग अलग चार तरह की मछलियों का उत्पादन एक तालाब में कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजी को यहाँ के कुछ अधिकारी जाएंगे, वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, और फिर वो अधिकारी आके यहाँ एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक चेन डेवलप करेंगे, वो फिर यहाँ 50 लोगों को, फिर 50 से 100 लोगों को ट्रेनिंग देंगे टेक्नोलॉजी का। तो ये टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन और स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से फिश प्रोडक्शन अरुणाचल में बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सर आपने बोला कि अरुणाचल एक्सपोर्ट का सेक्टर में भी आगे बढ़ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल कब तक ये सशक्त रहेगा? नहीं, ये तो अरुणाचल में जो अभी प्रोडक्शन के लिए जो राज्य सरकार जितनी योजनाएं तैयार करेगी और जितनी योजनाएं तैयार करेगी उसकी हम लोग स्वीकृति देंगे, और जब फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर एक्सपोर्ट करेंगे, आप उस फिश का क्या करेंगे। और जो FIDF है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उस फंड का उपयोग करके आप वैल्यू एडिशन का और इस तरह के जो यूनिट्स हैं उनको कर सकते हैं, नए नौजवानों को स्टार्टअप्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जगह जगह फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे, तो उसके बाद फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हो गया, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कोल्ड वाटर फिशरी टोटल कोल्ड वाटर ही, इनलैंड जो फिशिंग है वो टोटल कोल्ड वाटर फिशिंग है। कोल्ड वाटर फिशिंग में आपका ट्राउट है, तो ट्राउट में जहां ऊपर लेवल पर है ट्राउट के लिए भी रिसर्च है, उसके लिए भी रिसर्च हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, और फिशिंग के मामले में टेक्नोलॉजी, हम अभी विशाखापट्टनम में एक हमने कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ हैदराबाद में एक नौजवान हैदराबाद में ट्राउट का प्रोडक्शन कर रहा है, और पूरे चेंबर को उसने अमोनिया गैस से कोल्ड चेंबर बना दिया और वहाँ ट्राउट का प्रोडक्शन कर रहा है, 200 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन उस ऑलरेडी कर रहा है। तो इसलिए कोल्ड वाटर में आपका जो श्रिम्प है, श्रिम्प पहले होता था मैरिन में, और अब एक्वा कल्चर में, और ऐसे भी पॉन्ड्स में, आम पॉन्ड्स में भी श्रिम्प जो कोल्ड वाटर का ICR ने डेवलप किया है उसमें भी उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। आप अपने तालाब में श्रिम्प डाल दीजिए, जो मल्टी लेवल फिश प्रोडक्शन का हमने कहा उसमें एक श्रिम्प भी है, उसमें आप उसका जीरा डाल दीजिए और वो 1.5 साल में तैयार हो जाता है श्रिम्प। नहीं, वो रिसर्च करने की जरूरत है, इसलिए हमने कहा कि ICR को या उस तरह के, उसमें कई तरह की बीमारियां भी होती हैं फिश में, पॉन्ड्स में, तो उसके वाटर का भी टेस्ट करना पड़ता है कि वाटर सही है कि नहीं। जो तालाब का पानी अगर थोड़ा सा भी दूषित हो गया तो उसके कारण भी फिश मरते हैं, कई तरह की बीमारियां होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि सीफा में जब भुवनेश्वर यहाँ के लोग जाएंगे तो वहाँ देख के आएंगे कि क्या क्या वहाँ उपयोग किया जा सकता है। अगर तालाब में थोड़ा सा भी पानी के टेस्ट में गड़बड़ी पाई गई, वहाँ फिश अगर मर रहा है तो उसके लिए कौन सी दवा दी जा सकती है, ये सारा रिसर्च वहाँ है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से 4-5 लोगों को ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे राज्य सरकार, और वहाँ भेजेंगे, हम लोग उसको ट्रेनिंग वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।